और तुमको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुमको कुछ पता है? तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे नहीं पता, मतलब मेरा बच्चा नहीं, मैं तो प्रोटेक्शन के साथ कर रहा था, फिर ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं आप है। मार्केट में जो किट आती है 10 में से 5 ही ठीक होती है, बाकी 5 नेगेटिव आती है। बच्चा है या नहीं? है ना, कंफर्म है। अभी दो महीने पहले हुआ नहीं था, सब कुछ हुआ था, तुमको पता ही नहीं, तुम ऐसे मुझे पता है, मुझे पता है। करूंगा करूंगा, क्या होता है, अभी बोलो ना, कर रहा हूँ तेरे से शादी। ये लबराई का चश्मा पहन के ये बदतमीजी ड्रामा में बदतमीजी अभी तू देखा नहीं, बदतमीजी तुम कर रहे हो, ठीक है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूँ संजना और वो कन्हैया भैया हैं और ये स्नेहा दी है। दी बताओ क्या हुआ है, क्यों मैसेज कर रहे थे आप मेरे को इतने ज़्यादा? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मुझे आपसे ना मतलब प्रेरणा लेनी थी, मतलब सलाह लेनी थी कि मैं अपने मतलब मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। मुझे कैसे पता होगा? आप लॉयल्टी टेस्ट करवाना है, लॉयल्टी टेस्ट करना है आपको? हाँ जी। तो वो आप फ़ोन पे भी कर सकते हो? तो मेरे पास तो फोन नहीं है। आप स्नेहा जी, सबसे पहले तो एक चीज बताओ हमको कि आपको अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर विश्वास है कि नहीं? मुझे विश्वास तो है, पर दो महीने से वो नहीं तो आ रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना तो कॉल ना मैसेज, तो मैं कैसे मतलब वो करूं, बताओ विश्वास? बस दो ही महीने के बात है ना। हाँ, दो महीने दो साल चार साल तो नहीं बीते है ना, तो दो महीने हो सकता हो कुछ काम में वो व्यस्त हो, बिजी हो, क्या पता किसी और के साथ भी हो, कुछ भी हो सकता है। दिमाग में तो बहुत चीज़ चलता है, लेकिन इतना भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लड़के खराब ही होते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है ना, तो जब दो साल से साथ हो तो कुछ तो होगा ना आपके बीच, ऐसा साथ में हो, रिलेशन में नहीं, पर दो महीने से कोई कॉल मैसेज भी तो नहीं आ रहा ना, मैं कैसे विश्वास करूं? दो साल का रिश्ता आप दो महीने में कैसे तोड़ सकते हो कि आपको विश्वास नहीं है? नहीं, एक दूसरे के ऊपर खुद विश्वास तुम लोग का नहीं है तो कैसे दूसरा कोई विश्वास करेगा? वो तो ठीक है आपकी बात, पर मेरे पास कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं हो रही दो महीने से। पहले एक तो दो महीने बाद आपको ऐसे कैसे याद आया? मुझे जब वो मुझसे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो मैसेज करेंगे, तो मुझे तो शक होगा ना। आपने कॉल करने की कोशिश की है कभी? हाँ, करने की कोशिश करी, वो मेरे कॉल को रिसीव ही नहीं करते। आपका कॉल भी रिसीव नहीं करते वो, इसीलिए मुझे शक होता है, डाउट होता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम राहुल है। कहाँ रहते हैं? वो बाहर रहने चले गए हैं किसी जॉब के मैटर में। बाहर का नाम होगा ना, जगह का नाम, किस जगह का? वो दिल्ली चले गए हैं। अच्छा, आप तो अभी फिलहाल दिल्ली में ही? हाँ, मैं भी दिल्ली हूँ, पर वो तो बोल के गए थे ना मुझे कि मैं दिल्ली में ही रहूँगा, तो मुझे तो इतना ही पता है ना। कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? कॉन्टेक्ट नंबर है ना, एड्रेस मालूम है? एड्रेस तो उनका पता नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं आपको कॉल करके मतलब कॉल कर बुला सकते। हाँ, तो बुलाओ यहाँ पे। जब आप कह रहे हो वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो कैसे आएंगे यहाँ पर? क्योंकि वो मेरे नंबर से कॉल नहीं रिसीव करते हैं, क्या पता आपके नंबर। अच्छा, से कॉल तो हमारे नंबर से अगर आप कॉल करोगे तो चलो कॉल तो रिसीव कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आ ही जाएंगे तुम्हारे कहने। नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मेरी कॉल से रिसीव करके वो नहीं आ सकते ना, आपके फोन से हो सकता है तो आ जाए, क्या पता। चलो बात करो एक बार, अगर आ जाते हैं तो देख लेते। हेलो, कौन? हाँ, मैं स्नेहा बात कर रही हूँ, आप कहाँ पे हो? स्नेहा, तुम्हें किसके नंबर से कॉल कर रहे हो? क्या था मैंने किसी के नंबर से? आप कहाँ पे हो ये बताओ, आप मेरा नंबर से तो कॉल रिसीव ही नहीं करते ना, इसीलिए किया मैंने। अरे बाबा, मैं ऑफिस की टूर से बाहर था, कल ही ऑफिस लौटा हूँ, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो रेस्ट कर रहा था। नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। पहले तो आप एक भी दिन बात करे बिना रह नहीं सकते, और अब ऐसे कैसे हो? मिलने बुलाओ यहाँ पे, बताना मत कुछ, मुझे आपसे मिलना है। बताओ कहाँ हो, कब आओगे? बताओ मिलना है आपको? हाँ, बताओ कहाँ पे मिलना है? मुझे यहीं पे मिलना है, मैं एक गार्डन में बैठी हूँ, आप आ जाओ इधर। लोकेशन सेंड करो यहाँ की, लोकेशन थोड़ी देर में। अच्छा, मैं आपको ना लोकेशन सेंड करती हूँ, आप आ जाना। ओके ओके ओके, लोकेशन सेंड करो। ठीक है दोस्तों, हमने कॉल कर दी है, आ रहे हैं। देखो, बोल रही है लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए, अगर वो आगे तक का सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, भोलेनाथ उनको हमेशा साथ रखें।
बाकी दीदी देखो मेरा कुछ वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाथ इसमें, आप कर रहे हो जो कर रहे हो, बाद में मेरे पे नाम मत लगाना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि हमारा काम हेल्प करने का है, इसलिए हमने सोचा कर दें आपकी हेल्प। बाकी ये रखो आप माइक छुपा के रखो, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं कैमरे के पीछे, आप लोग बात कर लेना आपस में जैसे भी हो, ठीक है। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाय स्नेहा। हाय, कैसे हो? अच्छे हूं, आप बताओ, आप कहां थे? बैठो। मैं तो आज घर पे आराम कर रहा था, तुमने कॉल किया, मुझे आना पड़ गया। नहीं, आप 2 महीने से कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? मैंने तुमको बताया था ना कि मैं ऑफिस की टूर से बाहर था, मीटिंग्स थी, काफी सारी मीटिंग्स थी, तो आपको बता के जाना चाहिए था ना मुझे। वो अर्जेंट था, मुझे रातों रात निकलना पड़ा, नहीं बता पाया, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुमसे। सॉरी से काम नहीं चलता ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको पता है मैं कितनी परेशान हूँ। अरे बेबी, परेशान हो तो मुझे पता है ना, लेकिन मैं क्या करता, ऑफिस भी तो मेरे लिए जरूरी है, उसे भी इतनी छोड़ सकता। तो ऑफिस जरूरी है, मैं जरूरी नहीं हूँ आपके लिए। तुम भी जरूरी हो, लेकिन ऑफिस भी उतना जरूरी है, नहीं तो हमारा खाना खर्चा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है ना, हम, आपको पता है हमें 2 सालों की रिलेशनशिप में, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, कब तक चलेगा? 2 साल हो गए, मुझे पता है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुमको पता है, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ, मेरे घर वाले मुझसे रोज झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, और तुमको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुमको कुछ पता है? तुम प्रेग्नेंट हो? तुमको पता नहीं है? तुमने मुझे बताया कैसे प्रेग्नेंट? मतलब मैंने तो प्रोटेक्शन के साथ यूज किया था, फिर भी ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना चलता रिलेशनशिप में। मुझे नहीं पता, मतलब मेरा बच्चा नहीं, मैं तो प्रोटेक्शन के साथ कर रहा था, फिर भी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तुमको पता है मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना चलता है, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे क्या पता, मतलब मैं बाहर था 2 महीने से, मुझे तो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता? ऐसे नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप ही कहिए। मैं 2 महीने बाहर था, मैं मीटिंग सर इधर अपनी देख रहा हूँ, तुम ये बच्चा मुझे प्रेग्नेंट बता रहे हो? तो आप मुझसे 2 महीने से बात नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा ना, तो मेरा रिसीव ही नहीं कर रहे कॉल, तो मैं कैसे बताऊं आपको? बताओ, मैं तो बताया, मैं वो मेरी अर्जेंट मीटिंग्स थी, नहीं अटेंड कर पाया, बट नहीं, मैं तो वो भी तो बता रहा हूं कि मैंने प्रोटेक्शन लिया था, उसका क्या? नहीं लिया था, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा थोड़ी ना चलता है ये, ऐसा थोड़ी ना है, आपको पता है मेरे घर वाले मुझे टेस्ट किया, तुमने पहले ये बताओ, टेस्ट किया? हां, मैंने टेस्ट किया है, पॉजिटिव है। कितनी बार कैसे टेस्ट किया, 2 महीने से प्रेग्नेंट हूं, 2 महीने से। किससे टेस्ट करवाया, डॉक्टर से करवाया? नहीं ना, खुद किया होगा घर पे? ऐसा नहीं, डॉक्टर से ही करवाया। एक बार ना मेरे साथ चलो, मैं जानता हूँ एक डॉक्टर को, तो मेरे जानकार हैं, उनके साथ, उनके पास जाके तुम्हारी टेस्टिंग करा लेते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा केस में मुझ पे ही डाउट कर रहे हो, उल्टा। मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा, मैं एक बार क्लियर होना चाहता हूँ, इस बेबी है या नहीं? ऐसा थोड़ी ना चलता है, तुम मेरे पे झूठ बोल रहे हो, झूठा झूठा। नहीं नहीं, मुझ पे ट्रस्ट है तुम्हें? ट्रस्ट है तो फिर 2 महीने से तुम आए क्यों नहीं, मुझसे बात क्यों नहीं करी? तुम्हें पता है ना मेरे घर वाले मीटिंग थी, मैंने तुम्हें बताया मैं मीटिंग्स थी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं इंडिया में नहीं था, मैं इंडिया से बाहर था। आप झूठ क्यों बोलते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। झूठ नहीं बोला, अर्जेंट मीटिंग्स थी, चला गया। 2 महीने से कौन बता, पहले बताओ आप मुझसे एक दिन बात करे बिना रह सकते थे? नहीं ना, तो मैं तुमसे नहीं ना, मैं यहाँ पे था, तुमसे तो 2 महीने, 2 महीने हो गए, 2 महीने से ना कॉल ना मैसेज, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तुमको पता नहीं मैं आउट ऑफ इंडिया था, ऐसा थोड़ी ना है, नंबर तो स्विच ऑफ होगा ना मेरा। तुमको ऐसा नहीं होता, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम ये बताओ, मैंने तुमको प्रेगनेंसी की बात बता दी, तो तुम मुझ पे ही उल्टा शक कर रहे हो? मैं तुम पे शक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ बच्चा है या नहीं। है ना, कंफर्म है, अभी 2 महीने पहले हुआ नहीं था, सब कुछ हुआ था, तुमको पता है? नहीं, तुम ऐसे मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते ना, इसलिए तुम मुझे बहाना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बहाना लगा रहे हो? मुझे पता है तुम मुझसे, मुझे कोई शादी मतलब, मैं कोई टाइम पास हूँ? मैंने ऐसा बोला तुमसे? नहीं, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, इसका मतलब? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। नहीं, तुम मुझे मेरे बच्चे का एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सीधी बात है ना, यही बात है ना। अगर बच्चा होगा तो, अगर बच्चा है ना, क्यों नहीं, पहले टेस्ट कर लेते ना। मैंने तुम्हें रिपोर्ट, मैं तुमको बताया ना, मैंने अभी कंफर्म है, बच्चा है ना, 2 महीने से बच्चा है, तो टेस्ट कर लेते, टेस्ट करने में क्या जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, मैंने तुमको बताया ना, मेरे फैमिली, तुम्हें पता है मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, मेरी फैमिली मुझे डांटती है, चिल्लाती है। फैमिली को जब पता चलेगा ना, जब बच्चा होगा, पहले टेस्ट कर लेंगे। तुमको पता नहीं, कन्फर्म है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? भरोसा करते नहीं, भरोसा बहुत भरोसा कर ले तुम, अगर भरोसा करा होता ना, तुम अच्छे होते हैं, तो तुम मुझे एक्सेप्ट करते, अभी तुम ना मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 2 साल का रिलेशन है ना हमारा, 2 साल का रिलेशन है, 2 साल का रिलेशन है, बस 2 महीने के लिए गया था मैं। मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट मत करो, ठीक है ना, मुझसे बात मत करो, जाओ। ऐसे क्यों कर रही हूँ, मैं बस एक बार टेस्टिंग करना तो चाहता हूँ कि एक बार टेस्ट हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा बच्चा है नहीं है, बच्चा होगा तो इधर देखो, इधर देखो, मुझे बात नहीं करनी है, जाओ। सुनो सुनो सुनो,
पे बेटा। दो महीने से आपने कोई कॉल मैसेज नहीं किया, मुझे बात नहीं करनी, हट जाओ यहाँ से। तो अब आ गया ना, अब तो तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, सीधी बात ये नहीं करना चाहते। दो साल से मेरे साथ होना, एक्सेप्ट कर रखा है ना। अगर बच्चा हुआ ना, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि बेबी है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो है ना बेबी, कंफर्म। मुझ पे विश्वास नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं, मैं बता रही, झूठ बोल रही हूं। विश्वास है मुझे तुम पे, पूरा नहीं है, विश्वास नहीं है। तभी तो बोला ना डॉक्टर पे चेकअप करवाते हैं। अभी तुमने बोला कि मैंने खुद चेक किया है, तो मैं कैसे यकीन करूं कि तुमने जो चेक किया वो ठीक है? मार्केट में जो किट आती है 10 में से 5 ही ठीक होती है, बाकी 5 नेगेटिव आती है। इसका मतलब फिर मैं झूठ बोल रही हूं, मैं झूठ बोल रही हूं। मैंने तुमसे बोला ऐसा नहीं ना? तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा, मैंने बोल दिया ना कन्फर्म है तो कन्फर्म है, मतलब विश्वास होना चाहिए ना। इसका मतलब तुम उससे कोई प्यार नहीं करते, फ्लैट है ना, सब कुछ करो फ्लैट। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर बच्चा हुआ ना, अगर बच्चा हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर लूंगा, अपनी फैमिली से बात कर लूंगा, और जो भी चीजें होंगी मैं देख लूंगा उसे। तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते जब मैं तुमसे बोलती हूँ शादी के लिए? अभी कैरियर बनाने का टाइम है, इतनी जल्दी शादी कर ले। कैरियर तो बाद में भी हो सकता है ना, शादी के बाद। कैरियर बाद में कैसे हो सकता है? अभी अगर नहीं, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मेरे साथ फ्लैट करा, टाइम पास करा। अगर तुम मुझसे प्यार करो, ऐसा लगता मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया। 2 साल पहले 1.5 साल पहले मुझे शादी कर लेता, ठीक है? अभी तुम मेरे साथ बहुत झूठ बोल रहे हो। तुम बाहर हो ना, अब कर तुम बाहर हो ना, तुम्हारे किसी और से चक्कर चल रहा है ना। मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा, तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं मैं यकीन? नहीं नहीं, तुम्हारे किसी और से चक्कर चल रहा है, मुझे पता है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना मेरे साथ। क्यों किया मेरे साथ? मतलब मैं यकीन नहीं हूं उस पे, यकीन नहीं है। नहीं, शादी करोगे? शादी करनी है, करनी है मुझे शादी, बताओ अभी करनी है। अभी अभी कैसे कर लोगे? पहले प्रेगनेंसी का चेक कर लेते हैं, शादी का हम आगे देख लेंगे। क्यों प्रेगनेंसी का चेक कर लेते? जब मैं बोल रही हूँ तो झूठ बोल रही हूँ क्या? सच नहीं बोल रही? मेरे लिए नहीं कर सकते ना? कर सकती हूँ, पर बहुत कुछ किया है, तो एक बार ये भी कर, अब नहीं हो सकता। मेरे पे इतना भरोसा करके ये भी कर लो? मुझे नहीं पता, मुझे शादी करो बस अभी इसी वक्त, मुझे तभी विश्वास होगा कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ठीक है, पहले एक बार ना हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे चेकअप करा लेंगे। बेबी है, तुम्हारे बेबी को भी एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हें भी एक्सेप्ट करूंगा, दोनों की फैमिली को भी मना लूंगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत करते हो ना? तो मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं पता, अभी इसी वक्त शादी करो तो ही मैं मानूंगी, वरना मुझसे बात मत। तुमने इसका मतलब मेरे साथ फ्लर्ट किया है, टाइम पास मत करो मेरे साथ, ठीक है? तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ? तुम टाइम पास ही कर रहे हो, 2 महीने हो गए। तुम्हें पता है मैंने प्रेगनेंसी की बताया, तब से तुम मुझे बहुत अवॉइड कर रहे हो। कुछ नहीं है, क्यों अवॉइड करता? मैं आता यहाँ पे नहीं ना। तुम मुझसे शादी करो, मुझे नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर बेबी हुआ नहीं ना, अभी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे दूर रहो बस। शादी तो करनी है, 2 साल हो गए, फिर 2 साल प्रेगनेंसी की बताया। 2 साल हुए हैं अभी, तुमको बताया, तुम्हें कब से बता रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना चलता। तुमने तो मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है। मैडम आप फ्रेंड हूँ मैं उनकी, बैठो। पता है मेरे को आपकी रिलेशन के बारे में। हाँ जी, शादी करना चाहती है तो क्यों नहीं कर रहे हो शादी? मैंने शादी के लिए मना नहीं किया, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ। इतनी देर से मैं सुनती आ रही हूँ, क्या कह रहे हो तो इतनी देर से आप? मैडम कूल डाउन, मैं तो बस अभी ये बोल रहा हूँ जो प्रेगनेंसी का अचानक से बता, मैं तो 2 महीने से बाहर था, अभी मुझे भी मतलब 2 महीने से बाहर थे, तो जब वो कह रही है उसको प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए, ये भी नहीं समझ आ रहा आपके? मैडम मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे भी तो देखना है ना, प्रेगनेंसी की भी मुझे भी अचानक से खबर मिल रही है। मतलब वो झूठ बोलेगी 2 साल के रिलेशन में? मुझे इस पे विश्वास है, लेकिन मैं ऐसे कैसे? वो कह रही है आज शादी कर लो, तो आपसे आज शादी भी नहीं करी जा रही। प्यार करते हो, प्यार ही तो तुमको उस पर विश्वास ही नहीं। विश्वास तो करो यार, कैसे प्यार ही करते हो, विश्वास ही नहीं। विश्वास कर दो तब तो 2 साल से हमारा रिलेशन चल रहा है। जब वो कह रही कि 2 साल से वो प्रेगनेंसी है, तो फिर मान के 2 महीने से बाहर हो, कोई कॉल मैसेज किया आपने उसको? जब वो बताती मैं आउट ऑफ इंडिया था, मेरा कॉल नहीं लगता वैसे ही। चलो कहीं रहो आप उससे, आपको मतलब क्या लगता है वो झूठ बोल रही? मुझे इस पे विश्वास है, लेकिन एक बार विश्वास है, इसने बताया, इसने खुद से अपने, मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही जवाब, विश्वास है ना उसके? हाँ पूरा विश्वास है मुझे, उससे शादी कर लो। मैं शादी करने को रेडी हूँ। कब कर रहे हो बताओ? मैं एक बार बेटा कितने दिन के अंदर करना चाहते हो? मुझे कब? मुझे अभी करनी है, मुझे अभी करनी है बस। दोनों को मुझे अभी करनी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना चलता है यार। अगर प्यार करते हो तो हाँ तो बोल सकते हो ना? मैं ऑब्वियसली हाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत है जब वो चाह रही है कि तुम चाह, तो फिर क्यों आपको? मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों की फैमिली राजी कर देंगे। मतलब एक बात बताओ, जब उसके पेट में बच्चा था उस समय तो आपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा कि फैमिली से मैं पूछा था उससे पहले? पूछा था ये तो कि मम्मी मैं ऐसा कर लूं? आज कह रहे हो कि अब फैमिली से राय ले लेते हैं, ये तो हम दोनों का पर्सनल मैटर है कि अगर हम बीच में अपने रिलेशन में क्या मतलब जो चीज, लेकिन शादी तो पर्सनल ही है ना, वो तो हमारी इसमें फैमिली का आना जरूरी है। अच्छा वो प्रेगनेंसी है अभी, वो चीज सही है?
प्रेगनेंसी है तो अगर प्रेगनेंट वो सही हमको जितना पूछ रहा हूँ सही तो नहीं है वो मिस्टेक हो सकता है। क्या मिस्टेक हो सकता है, वो कोई अथी है मतलब किसी भगवान का दिया हुआ कोई अथी थोड़ी ना है कि वो बिना बताए हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब वो चाहती है कि शादी कर ले तो तुमको क्या दिक्कत है? बट सर पहले आप पहले ये बताइए आप हो कौन? हम कुछ भी हैं, उससे क्या मतलब है, छोड़ यार ऐसे कैसे मतलब हम फ्रेंड है दोस्त है और बताओ। तो आप मैं फ्रेंड हूं उनकी, ठीक है? आप दोनों क्यों आ रहे हैं हम दोनों के बीच में? तुम्हारा भी फ्रेंड है दोस्त है, मैं तुम्हें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तो दुश्मनी तो हम वैसे भी नहीं करते किसी से। जैसे बताया उसने बताया कि वो आपसे प्यार करती है और आप पहली बात आप दोनों से तो बात नहीं करनी क्योंकि मैं तो अपनी मतलब पार्टनर से बात करने के लिए आया था। तो आप दोनों क्यों आए मुझे नहीं पता। अरे यार मतलब दिमाग तुम्हारा ठिकाना नहीं है क्या? समझ में नहीं आ रहा है एक बार में। जब इतनी देर से प्यार से बात कर रहे हैं। मैं भी तो प्यार से बात कर रहा हूं। क्या प्यार करता प्यार से बात कर रहे हो? 25 बार एक ही चीज को तुम जपे जा रहे हो। जब शादी करने तैयार है तो तुम्हारी क्यों फट रही है? तो मैंने पहले ही बताऊं मुझे ऐसे फोर्स करोगे तो शादी करने के लिए क्या फोर्स कर रहे हैं आप फोर्स आप होते कौन उसके साथ जब रिलेशन बनाए उस समय तो आपको नहीं लगा कि कोई फोर्स करेगा? आप दोनों होते कौन मुझे फोर्स करने? फ्रेंड हूं उनके कितनी बार बताऊं? उसका फ्रेंड है और उसके फ्रेंड हो मतलब कैसे? उसने तो मुझे कभी नहीं बताया इनके बारे में। आपने बताया इनके बारे में? आपने बताया मुझे इनके बारे में? आपका कितना फ्रेंड है सबको बताया? आपको क्या क्या बताऊं? आप कुछ बताओ। तुम कुछ याद रखोगे तो याद रहेगा ना तुम्हें? तुम अपनी आवारा गर्दी में लगे रहो। मैडम बाहर रहो जहाँ मर्जी। क्या बताया इसने आपको? क्या बताया इसने आपको? उसने बताया कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ हमको इग्नोर कर रहा है। फोन ऐसा बोला रहा है, बात भी नहीं उठा कर रहा है दो महीने से। अब हम दोनों की बातें अब बाहर बोलोगे? तो अपनी फ्रेंड से शेयर करने में क्या बुराई है? वैसे भी तुम मुझे दो महीने से कोई ये मुझे कहीं से फ्रेंड तो नहीं लगते तुम्हारे? सच्चाई यही है। मैं फ्रेंड हूँ और वो भाई है मेरे बड़े। यहाँ बैठो मेरी बात सुनो। सच्चाई यही है कि जब से तुमको पता चला है कि वो माँ बनने वाली है तुम उसको अब इग्नोर कर रहे हो। तुमको उसको छोड़ना चाहते हो? इग्नोर किया पहले ये बताओ। छोड़ना चाहते हो? मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। अगर तुम शादी करने में क्या दिक्कत है? कल शादी होगी मंदिर में हमारे सामने होगी, हमारे टीम के सामने होगी, मैं कैमरे के सामने। अगर तुम इनके फ्रेंड हो ना तो पहले मेरी बात सुन लो। मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। मैं शादी करने को भी रेडी हूँ। कल होगी शादी, रिलेशनशिप के कल होगी शादी, मैं तुमसे शादी करूँ। नो फैमिली का इसमें समझौता, कोई फैमिली का समझौता नहीं होगा। जब किसी से नहीं पूछा था तो पूछो मत, बताओ जाके कि मैं शादी कर रहा हूँ। कोई इतने छोटे नहीं हो तुम। मैं तुमसे शादी करूंगा स्नेह, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो फिर कब करोगे? कब? कौन सा टाइम आएगा? कौन सा वक्त आएगा? उसमें पता 2 साल हो गए हैं और प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए। प्रेगनेंसी की 2 महीने हो गए। मैंने तुमसे बोला एक बात बता। हाँ जी इस पे जोर दा। 2 महीने 4 महीने के बाद उसका थोड़ा पेट बड़ा हो जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात? कहना नहीं चाहिए हमको, मजबूरी में कह रहा हूँ क्योंकि हर महिला के साथ ऐसा होता है। जब वो घर से बाहर निकलेगी लोग देखेंगे कि वो माँ बनने वाली है, पूछेंगे ना तेरा पति कौन है, कोई जवाब होगा उसके पास देने के लिए। तो इसके लिए तो मैं इसके साथ हूँ, मैं शादी करने को रेडी हूँ। अरे यार फिर रेडी हूँ ये लबराई का चश्मा पहन के बदतमीजी अभी तू देखा नहीं? बदतमीजी तुम कर रहे हो, ठीक है? बदतमीजी तुम कर रहे हो। ये बदतमीजी है जो मैं कर रहा हूँ वो बदतमीजी नहीं है ना? अभी देखा नहीं है? बदतमीजी इससे भी ज्यादा होता है। 2 मिनट के अंदर हम गाल लाल कर देते हैं। प्यार से समझा रहा हूँ तो भेजा में घुस नहीं रहे। प्यार से बात करिए। कर लेंगे कब करेगा? कल करना शादी, जब वो रेडी है तो मैंने कैसे बोल देना तुमसे शादी करूंगा। इनसे बोल दो यहाँ से करूंगा क्या होता है? अभी बोलो ना कर रहा हूँ तेरे से शादी। इनसे बोल दो यहाँ से चले जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? पहले मुझसे शादी करो तभी जो होगा जो। ऐसा तो, थोड़ी ना होता तो तुम चाहते तुम्हारी फैमिली के बिना तुमसे शादी कर लूँ? मुझे फैमिली से कोई मतलब तुम चाहते हो मैं तुम्हें भगा के ले जाऊं? अच्छा तुमने फैमिली से पूछ के प्यार किया? मतलब तुम चाहते हो मैं तुम्हें भगा के ले जाऊं ताकि तुम्हारे घर पे तुम्हारी बदनामी हो जाए? हाँ तुम मुझे भगा। जब लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो लड़के को क्या हो रही है? अगर तुम्हें ऐसे कोई इन लोगों का पहले डिस्कस करना चाहिए पहले। हाँ करो अपने में बात। अगर तुमको ऐसी दिक्कत नहीं है ना कि तुम्हारे घर पे कोई बदनामी नहीं होगी, पर मेरे घर पे तो होगी ना मेरी बदनामी? तुम तो आओगे तो मेरे घर पे। अच्छा तो तुम्हें अब अपनी घर की बदनामी दिख रही है? मतलब मेरी इज्जत की तो कोई फिक्र ही नहीं है, है ना? मैंने ऐसा बोला तुमसे? देखो तुमसे शादी करूंगा। अरे थोड़ी ना आता है, तुमने तो मतलब पूरी लाइफ की मेरी वाट लगा के रख दी है, ऊपर से फिर मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो क्या होगा, है ना? उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इन दोनों को समझा दो मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं मुझे मैं इसी वीक कर लूंगा तुमसे शादी, खुश? नहीं वीक नहीं, मुझे कल ही करनी है बस। प्रिपरेशन तो कर लो, रेडी तो हो जाओ। मैं रेडी हूँ। शादी बस ऐसे नहीं करो, कोई एक्सक्यूज नहीं। बच्चों का खेल नहीं है शादी, बच्चों का खेल नहीं है शादी। तो फिर प्यार करना बच्चों का खेल है? मैंने बोला ऐसा नहीं ना? नहीं तो फिर तुमने मुझसे प्यार किया? एक वीक नहीं दे सकते मुझे? नहीं दे सकते। 2 महीने रह लिए बिना मेरे, तो एक वीक नहीं दे सकते? एक भी दिन नहीं दे सकती? मुझे नहीं पता, मुझे कल ही करो शादी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हो गई बात है तुम्हारी?
मैडम एक मिनट, अरे समझने वाला है, हो गई इस वीक कर लूंगा शादी इन दोनों। इस वीक क्या होता है, जब वो आज बोल दिया तो आज नहीं हो रही ना तुमसे? मुझे नहीं पता, मुझे आपसे बातें नहीं करनी। स्नेहा तुम कहाँ जा रही? अच्छी बात है, सही फैसला है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम अभी छोड़ के मत जाओ मुझे। कब करोगे कहते कहते परेशान हो गए, 2 साल हो गए, ऐसा थोड़ी ना चलता है, मुझे नहीं करनी शादी। तुम इधर आओ, इधर आओ। अब वो नहीं करी तो ठीक है ना, शादी करनी ना? मुझे नहीं, बैठो यहाँ पे, नहीं करनी शादी, नहीं करनी तुम्हें, नहीं अभी करनी। तो बोले शादी तो तुमने करनी, मुझसे कहा तुम बोले एक वीक, मुझे कल ही करनी तो कल ही करनी है मतलब। ठीक है, मैं तुमसे कल शादी करने रह गई, ठीक है? अब अभी खुश, अब तो बोल दो खुश हो, ये बच्चा हमारा है ना, तो फिर आज से ये बच्चा मेरा और तुम मेरे, ठीक? अच्छा ठीक है, तो शादी कब करोगे ये बताओ पहले। तुमने बोला ना कल करूंगा शादी, पक्का? पक्का, प्रॉमिस। अब यकीन हो गया ना, खुश हो? अब बस खुश हो गया ना? क्या हुआ? कैमरा लगवा रखा है हमने, ठीक है? सामने कैमरा, लॉयलिटी टेस्ट कर रही है तुम्हारा। ओह माय गॉड, मतलब आप ये लोग मजाक कर रहे थे तब से मेरे साथ? हाँ, हम नहीं कर रहे थे, हमें जानना, जो कुछ किया है इन्होंने ही किया है। आपको पता है मतलब मेरा कितना बीपी हाई हो गया इस चीज के चक्कर में? सॉरी यार, जो कुछ है इनका किया धरा है, वैसे भी 2 महीने से मिले नहीं हो आप। तुमको मुझ पे जरा सा भी विश्वास नहीं था तो तुमने ये कर डाला। आपका टेस्ट करना चाहती थी ना, क्या मुझसे टारगेट नहीं करते थे? चलो ठीक है, जाओ खुश रहो, बस हो गया ना भरोसा? आप तो है ना भरोसा? बिल्कुल हो गया, चलो ठीक है, खुश रहो साथ में।